नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, सहजन को कौन नहीं जानता। सहजन एक स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी है। दोस्तों, आज हम सहजन के पत्तों के फायदे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सहजन को मुनगा, सहजन, सहिहन और मोरिंगा से भी जाना जाता है। सहजन का वैज्ञानिक नाम मोरिंगा एलिफेरा है। दोस्तों, यूं तो सहजन का पूरा पेड़ औषधीय गुणों का भंडार है। सहजन की पत्तियां, सब्जी, इसकी छाल और इसके बीज सभी बहुत लाभकारी होता है, लेकिन आज हम इसके पत्तियों के फायदे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ज्यादातर लोग सहजन के पत्तियों के गुणों से अनजान होते हैं, इसके आयुर्वेदिक लाभ नहीं जानते, जबकि विदेशों में इसकी पत्तियों के चूर्ण को पैकेट में भरकर महंगे दामों में बेचा जाता है। सहजन की पत्तियों से लगभग 150 से ज्यादा बीमारियों का इलाज होता है। सहजन में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए और विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सहजन की पत्तियों में विटामिन सी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसकी पत्तियों में नींबू की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है और सहजन की लगभग 100 ग्राम पत्तियों में 5 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम होता है। दोस्तों, सहजन की पत्तियों के सेवन से रक्त की शुद्धि हो जाती है। यह परम रक्त शोधक होती है। इसके कारण चर्म विकार दूर होता है। शरीर में मौजूद हानिकारक पदार्थ पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। इसके पत्तियों का रस का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहता है। इसका नियमित रूप से सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन का खतरा दूर होता है। सहजन के पत्तियों का रस पीने से दस्त, हैजा, पेचिस, पीलिया और कोलालाइटिस जैसे रोगों में बहुत फायदा होता है। प्रसूता स्त्रियों को सहजन की पत्तियों को घी में मिलाकर गर्म करके पिलाने से दूध की कमी नहीं होती और दूध बढ़ता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों में कैंसर प्रतिरोधी गुण पाया जाता है। इसकी पत्तियों का नियमित सेवन करने से स्किन, लीवर, फेफड़े और गर्भाशय के कैंसर में फायदा होता है। यह शरीर में एनर्जी की कमी पूरी करता है और थकावट दूर करता है। दोस्तों, सहजन की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से घबराहट, चक्कर आना और उल्टी बंद हो जाती है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होने से हड्डियां और दांत दोनों ही मजबूत बनते हैं। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन कराने से गर्भ में पल रहा शिशु तंदुरुस्त बनता है। दोस्तों, सहजन की पत्ती का काढ़ा गठिया, साइटिका, पक्षघात और वायु विकार को नष्ट करता है। इसकी ताजी पत्तियों का रस सुबह शाम पीने से हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है और मोटापा धीरे धीरे दूर होने लगता है। इसकी पत्तियों को पीसकर घाव पर लगाने से सूजन मिटती है। दोस्तों, सहजन की हरी सब्जी का नियमित रूप से सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और बुढ़ापा दूर रहता है। सहजन की सब्जी खाने से मूत्राशय और गुर्दे की पथरी कटकर बाहर निकल जाती है। इसके अलावा कब्ज भी दूर होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।